आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओंकार रंडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को राहत, छठे चरण के लिए 6 राज्यों में कल वोटिंग. अशोक सराफ और रोहिणिया टंगड़ी को जीवन गौरव पुरस्कार. देवेगौड़ा की प्रज्वल को वापस लौटने की चेतावनी. संकेश्वर में बिजली गिरने से 12 बकरियों की मौत. जामुटी क्षेत्र में भारी बारिश. शाहपुर पथराव मामले में 2 अपराध, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया. तालुका महाराष्ट्र की ग्रंथ समिति की बैठक रविवार को. या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात, तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी दे टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा. तुमची आवडती सारी लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, ते ही सर्वात कमी किमती. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के आंकड़े आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. जब चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो जनशक्ति की कमी के कारण चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा हालात में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर आज जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल चुनाव आयोग को ऐसे निर्देश नहीं दिए जा सकते. अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक अवकाश अवधि समाप्त होने के बाद याचिका उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी. छठे चरण के लिए 6 राज्यों में कल वोटिंग. लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार गुरुवार को समाप्त हो गया. 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर कल शनिवार को मतदान हो रहा है. इसमें दिल्ली की सभी 60 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें और उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल है. जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर भी वोट डाले जाएंगे. छठे चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस चरण के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी में चांदनी चौक के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर और आजमगढ़ शामिल है. अशोक सराफ और रोहिणी हट्टंगड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार. अनुभवी अभिनेता अशोक सराफ और अनुभवी अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगड़ी को अखिल भारतीय मराठी थिएटर काउंसलिंग द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार घोषित किया गया है. 14 जून 2024 को शाम 4 बजे यशवंत नाट्य संकुल माटुंगा में अशोक सराफ और रोहिणी हट्टंगड़ी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. थिएटर प्रेमियों के बीच इस समारोह को लेकर काफी दिलचस्पी है. देवेगौड़ा की प्रज्वल को वापस लौटने की चेतावनी. कई महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप सांसद प्रज्वल रेवन्ना को तुरंत भारत लौटना चाहिए और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए. पूर्व प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, यदि आरोप साबित होते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए. देवेगौड़ा ने गुरुवार को एक पत्र के माध्यम से प्रज्वल रेवन्ना को संबोधित पत्र में उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आरोपों का सामना करने के लिए वो जहां भी है वहां से देश लौट आए. उन्होंने कहा कि मैं यह अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि कड़ी चेतावनी दे रहा हूं. संकेश्वर में बिजली गिरने से 12 बकरियों की मौत. संकेश्वर के नागनूर ब्रिज के पास एक खेत में शाम को बिजली गिरने से 12 बकरियों की मौत हो गई. इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार संकेश्वर के चरवाहे शंकर करजगी और नागप्पा केरीमानी गुरुवार शाम को संकेश्वर नागनूर पुल के पास खेत में बकरियां चरा रहे थे, तभी भारी बारिश हो गई तो शंकर करजगी और नागप्पा केरीमानी एक घर के सामने रह रहे थे. ठीक उसी समय खेत में रह रहे बकरियों के झुंड पर आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों की मौके पर ही मौत हो जाने की घटना घटी है. बकरियों के झुंड में कुल 200 बकरियां थी, जिनमें से 12 बकरियों की मौके पर ही मौत होने की आशंका है. जामबोटी क्षेत्र में भारी बारिश.
कल गुरुवार 23 मई को खानापुर तालुका के जांबोटी इलाके में भारी बारिश के कारण उस जगह पर नदी में बाढ़ आ गई है और मलप्रभा नदी के तल से पानी की धारा बह रही है। खानापुर जांबोटी मार्ग पर शंकरपेटी स्थान पर नदी उफान पर है। आज शुक्रवार 24 मई को सुबह जलप्रवाह असोगा में मलप्रभा नदी तल तक पहुंच गया है और आज शाम या कल सुबह तक पानी का प्रवाह खानापुर में मलप्रभा नदी तल तक पहुंचने की संभावना है। पिछले वर्ष अल्प वर्षा के कारण सभी जगह नदी नाले सूखे थे, लेकिन अब मलप्रभा नदी बेसिन में पानी आने से किसान और नागरिक संतोष व्यक्त कर रहे हैं। असोगा में मलप्रभा नदी बेसिन तक पानी पहुंच गया है और मलप्रभा नदी बेसिन तक पानी पहुंचने की संभावना है। शाहपुर पथराव मामले में 2 अपराध 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलवन गली शाहपुर में मारपीट और पथराव मामले में कुल 2 केस दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। कानून एवं व्यवस्था विभाग के पुलिस उपायुक्त रोहन जगदीश ने बताया, खानापुर थाना क्षेत्र के अलवन गली में क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों के बीच हुई मारपीट और पथराव हो गया। नतीजा ये हुआ कि तनाव पैदा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही शाहपुर पुलिस स्टेशन स्टाफ ने तुरंत स्थिति को संभाला और स्थिति को सामान्य किया। इस संबंध में कुल 2 FIR दर्ज की गई है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक रविवार को। बेलगाम तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक रविवार 26 मई 2024 को अपराह्न 3 बजे मराठा मंदिर गोवा वेस्ट में बुलाई गई। उक्त बैठक में 1 जून को हिंडलगा में होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। बेलगाम तालुका मही समिति ने अपील की कि पूर्व जनप्रतिनिधि समिति कार्यकर्ता एवं महिला इस बैठक में समय पर उपस्थित हो। कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर एवं सचिव MG पाटिल ने कहा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। खानापुर तालुका के झुंझवाड़ में आश्रय स्थल के नीचे इंतजार कर रहे एक युवक की पेपर शेड के बिजली के तार के संपर्क में आने से मौत हो गई। इस घटना में मरने वाले युवक का नाम मोहन नारायण पाटिल है। इस संबंध में मिली जानकारी यह है कि झुंझवाड़ में सुरेश पटेल के घर पर नवनिर्मित मकान के लिए वास्तु शांति कार्यक्रम था। गुरुवार को दोपहर करीब 3 बजे वास्तु शांति कार्यक्रम हुआ। इसी बीच बारिश होने लगी तो कुछ लोग उस शेड के नीचे खड़े थे। तूफानी बारिश के कारण विद्युतीकृत तार से लोहे की चादर के घर्षण के कारण विद्युतीकृत तार का करंट उसी स्थान पर रह रहे दीपक नारायण पाटिल के चादर में लग गया और वो सीधे चादर पर गिर गया। मौके पर ही मौत हो गई। दीपक पटेल की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की। इस मामले में घर के मालिक सुरेश पटेल की लापरवाही जिम्मेदार है। नया शैक्षिक वर्ष 31 मई से। शिक्षा विभाग ने नए शैक्षिक वर्ष का शेड्यूल में बदलाव किया है। इसके मुताबिक नया शैक्षिक वर्ष 31 मई से शुरू होगा। पहले दिन सभी स्कूलों को शुभारंभ समारोह मनाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कुछ महीने पहले शैक्षिक वर्ष 2024-25 के लिए समय सारिणी की घोषणा की थी। इसके मुताबिक नया शैक्षिक वर्ष 29 मई से शुरू होना था, हालांकि लोकसभा चुनाव और अन्य कार्यों के कारण शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण नए शैक्षिक वर्ष की शुरुआत में 2 दिन की देरी करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एक शीट प्रकाशित कर जानकारी दी गई है। नए शैक्षिक वर्ष के पहले दिन शुभारंभ समारोह मनाने का सुझाव दिया गया है। शैक्षिक वर्ष के प्रथम दिन से विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन वितरित किया जाएगा, इससे विद्यार्थियों को लाभ होगा। स्कूली छात्रों के लिए बस पास का वितरण 1 जून से। स्कूली छात्रों के लिए बस पास वितरण प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। छात्रों को बस पास पाने के लिए परिवहन बोर्ड कार्यालय के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा। सेवा सिंधु पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद बस पास ग्राम वन या कर्नाटक वन केंद्र से उपलब्ध कराया जाएगा। 1 जून से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया जाएगा। शुक्रवार से शैक्षिक वर्ष शुरू होने के कारण बस पास वितरण प्रक्रिया 1 तारीख से शुरू होगी। इस वर्ष परिवहन बोर्ड ने नए PVC बस पास को स्मार्ट कार्ड के आधार पर ऑनलाइन जारी करने का निर्णय लिया है। GIT ने टोस्ट मास्टर्स प्रतियोगिता जीती।
KLS IMER Toastmasters क्लब द्वारा हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में KLS गोखटे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज ने ओवरऑल खिताब जीता। मुख्य वक्ता के रूप में IIT धारवाड़ के निर्देशक प्रोफेसर वेंकपाया देसाई द्वारा निर्देशित। इसके बाद हुई चर्चा में SG कॉरपोरेट्स लिमिटेड के CEO सुशील वैद्य, टी टोस्ट कंपनी के संस्थापक और निर्देशक अक्षय कुलकर्णी, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर आसावरी संत और स्क्रैचपैड के सह संस्थापक सुदर्शन जाधव ने भाग लिया। चर्चा संचालक के रूप में डॉक्टर प्रकाश फडणीस उपस्थित थे। मराठी विद्यानिकेतन में गौतम बुद्ध जयंती समारोह। मराठी विद्यानिकेतन बेलगाम जिला गौतम बुद्ध जयंती एवं राजाराम मोहन रॉय के विचारों की समीक्षा हेतु एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। प्रारंभ में गौतम बुद्ध की तस्वीर की पूजा इंद्रजीत मोरे ने की। इस अवसर पर शिक्षा समन्वयक नीला आपटे, प्राचार्य गजानन सावंत, नारायण उड़केकर एवं अन्य शिक्षक उपस्थित थे। इसके बाद शिक्षकों के लिए एक सेमिनार का आयोजित किया गया, जिसमें श्रीमती मंजूषा पाटिल, श्रीमती शबाना मुजावर और श्री बीजी पाटिल ने गौतम बुद्ध के कार्यों के बारे में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित रहे। संचालन एवं धन्यवाद नीला आपटे ने किया। जिलाधिकारियों से कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश। कलेक्टर नितेश पाटिल ने कृषि विभाग के अधिकारियों को सुझाव दिया कि मानसून का मौसम दहलीज पर है और कृषि विभाग के अधिकारियों को बुवाई के लिए प्रचुर मात्रा में बीज की व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सूखा प्रबंधन और मानसून की तैयारियों को लेकर सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो बातचीत की। उसके बाद कलेक्टर पाटिल बोल रहे थे। डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से मुलाकात की। चिकोड़ी तालुका के इंगली और आयबाग तालुका के डिगेवाड़ी गांव के बीच बहने वाली कृष्णा नदी पर बन रहे बांध का काम फिलहाल प्रगति पर है। कैली शिक्षा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रभाकर कोरे, राज्य जल संसाधन एवं राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को किया गया। इसके लिए उन्होंने बेंगलुरु में मुलाकात की और विकास कार्यों पर चर्चा की। इस बांध के कार्य के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार ने अनुदान स्वीकृत किया था। मध्यावधि चुनाव के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन के कारण काम रुका हुआ है, इसे पूरा करने की मांग की गई। इसी के साथ के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।